गुड मॉर्निंग। तो राजस्थान का शेड्यूल तो परसों रात को आ गया था और एज यूजुअल थोड़ा सा बिजी चल रहा था, तो मैंने कहा आज आपको इसका डिटेल देता हूँ। समय होता है हमेशा हमारे पास। और सबसे पहली बात है कि राजस्थान में फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड है, और हम जानते ही हैं कि राजस्थान एकमात्र एक कुछ ऐसा स्टेट है जो राउंड टू में ओपन हो जाता है बाहर वालों के लिए। राउंड वन इज एक्सक्लूसिवली फॉर राजस्थान स्टूडेंट्स, अनलाइक एमपी और पंजाब जो भी क्लेम करते हैं, लेकिन राजस्थान में एक्चुअली फायदा होता है राउंड टू में ओपन होने का। और वो फायदा क्या होता है कि देखिए, तीनों स्टेट का हमेशा एक रूल होता है कि पहली प्रायोरिटी दी जाएगी राजस्थान डोमिसाइल को, और उसके बाद अगर सीट बचनी है तो बाहर वाले ले लें। यही पंजाब बोलता है, कई साल उसने वो भी नहीं कहा, यही एमपी बोलता है, यही राजस्थान बोलता है, यही कुछ और स्टेट्स बोलते हैं। लेकिन राजस्थान में फिर भी क्यों फायदा होता है, आपको झलक दिखाता हूँ। ये है राजस्थान का जी फीस स्ट्रक्चर। तो जो हम बच्चे हैं जिन्हें हमें उम्मीद है सीट मिलने की, और ये कोई बहुत शानदार या टॉप क्लास प्राइवेट कॉलेज नहीं है, ठीक है जी, और जरा फीस देखिए, 24 लाख रुपए साल। जी हाँ, 24 लाख रुपए साल। नॉर्मल जो फीस है 15 लाख रुपए साल की, ये समझ लीजिए राजस्थान के बच्चे खा जाएंगे। बहुत कम उम्मीद है कि नॉन राजस्थानी को मिलेगा, लेकिन आपको जो पक्की सीट मिल जाएगी वो है 24 लाख रुपए साल। इसी तरह हम अनंता को देखते हैं, 22 लाख रुपए साल। तो चूंकि मोस्ट ऑफ द फीस स्ट्रक्चर 26 लाख रुपए साल गीतांजलि, राइट, सो फीस स्ट्रक्चर काफी हैवी है राजस्थान में। और जो लोग मेरे को शुरू से फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि अब सीट की दिक्कत ही रह गई है। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्विकली, 3 साल पहले 4 साल पहले जब तो नीट क्वालिफाई नहीं आया था, मुझे वो दिन आज भी याद है, कोई 2016 की बात है जब ये नीट क्वालिफाई का रूल नहीं था, और एक पेरेंट थे जिनके बच्चे के मार्क्स थोड़े कम साइड पे थे, एंड ही वॉज रेडी टू पे एनीथिंग। वो कहते हैं सर कुछ भी पैसा ले लो, लेकिन मुझे इंडिया का प्राइवेट कॉलेज ही चाहिए। और तब तब कंपटीशन इतना ज्यादा था कि सीट नहीं मिल रही थी। अब जैसा कि हम जानते ही हैं कि चाहे वो डीम्ड भी हो, चाहे वो राजस्थान हो, कैटेगरी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को भी सीट मिल जाती है। जी हाँ, मतलब अगर आपके 109 नंबर हैं, आपके 139 नंबर हैं, तो भी आपको सीट की दिक्कत नहीं है, बशर्ते आप 24 लाख रुपए साल की फीस जो कि बन जाती है 1.25 करोड़ रुपए देने को तैयार हो। और एक्चुअली लास्ट में ये भी होता है कि जब 24 लाख की सीट नहीं भर रही होती इन कॉलेजेस की, तो ये नेगोशिएशन करते हैं बकायदा, टेबल नेगोशिएशन जिसे बोलते हैं। तो बड़ा हैरानी होती है नए लोगों को सुन के कि अभी आपने ऑफिशियल फीस देखी ना, 24 लाख रुपए साल, 20 लाख रुपए साल, यही फीस आपको आप मान के चलिए 20 लाख रुपए साल में भी मिल सकती है। ये 26 लाख के बदले यही सीट आपको 20 लाख रुपए साल में एक पैकेज सा बना दिया जाता है, हॉस्टल और खाना पिला के, और कॉलेज आपको कमिट करके आपको सीट दे देता है। तो फिर आप सोचोगे जब सीट दे ही देनी है तो इतनी महंगी फीस क्यों रखी हुई है। तो देखिए वही बात है, कोशिश कर रहे हैं कि इतनी फीस देने वाले लोग मिल जाएं, जब नहीं मिलते हैं तो नेगोशिएशन हो जाती है। तो ये है राजस्थान का फायदा कि भाई अगर आपको सीट चाहिए और आपको नॉर्थ इंडिया में रहना है, देख सब समय कभी कभार दिक्कत क्या होती है, देखिए साउथ इंडिया में ना बहुत ऑप्शन है, सारी स्टेट ओपन है, और आपको एक रीजनेबल फीस में आपका काम हो जाता है। समबडी हु इज अ प्योर नॉर्थ इंडियन, अब समस्या ये हो जाती है कि ऊपर से स्टार्ट करें पंजाब क्लोज स्टेट है, हिमाचल में एक ही कॉलेज है, उत्तराखंड में 2 ही कॉलेज थे, अभी तक तीसरा आने वाला है, उत्तर प्रदेश में है काफी कॉलेजेस, बट चूंकि भाई उत्तर प्रदेश एकमात्र ऑप्शन बच जाती है जो कि फीस भी कम है। तो देखिए जो कॉलेज नए भी खुले थे सर, उनकी भी कट ऑफ 250 से ऊपर गई थी। फिर हरियाणा में गिन के 5 कॉलेज हैं, तो ले देखे बचा मध्य प्रदेश क्लोज स्टेट हो गया, छत्तीसगढ़ में 3 ही कॉलेज हैं, कम फीस के चक्कर में वेरी हाई कंपटीशन, बिहार में जो 3 कम फीस के कॉलेज है वेरी हाई कंपटीशन। तो राजस्थान आपके लिए बच जाता है, और नॉर्थ में डीम्ड यूनिवर्सिटीज तो है नहीं, तो राजस्थान अपने लिए वो ऑप्शन बच जाती है। तो कमिंग क्विकली, राजस्थान का ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गया है, फ्रेश एप्लीकेशन अलाउड है, कल सुबह स्टार्ट हो चुका है, और 27 तारीख तक दोपहर को 12 बजे तक ये आपको समय दे रहे हैं, परसों दोपहर को 12 बजे तक। और ये कह रहे हैं कि जो फीस है 2,000 रुपये की वो भी आप जमा करा सकते हो 27 तारीख तक, ठीक है।
अब ये होता कैसे है? तो देखिए, जब आप राजस्थान की वेबसाइट के होम पेज पे जाते हैं, तो मैं इसे दूर आ गया तो शायद नहीं पकड़ पा आ गया। तो देखिए, हमेशा ना पहले इसको शुरू करते हैं, ये दो पार्ट कभी घबराने वाली बात नहीं होती है। आप इसको दबाएंगे, आप आगे बढ़ेंगे, बहुत बेसिक आपसे इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, और उसको करने के बाद आप फी पे करेंगे, फिर पार्ट टू भर देंगे, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बहुत सिंपल है। ये करने के बाद फिर दोबारा एक लिंक आएगा। राउंड वन में ये लिंक बाद में आया था, मतलब ये प्रोसेस खत्म होने के बाद, जो फर्स्ट 3 स्टेप्स हैं। समस्या ये है कि मैं अभी 25 तारीख सुबह ये वीडियो बना रहा हूँ, और अभी तक ना ये नहीं ला लाइन हुआ। ये क्या है? ये वही सिक्योरिटी डिपॉजिट देने का लिंक, जब आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया, और वही लोग जो राउंड वन से पहले कर चुके हैं उन्हें दोबारा नहीं करना है। सेम जो हर स्टेट में चलता है, 10,000 रुपये सरकारी सीट के लिए, 5,000 रुपये जो कैटेगरी के बच्चे हैं, और 1 लाख रुपये जो प्राइवेट कॉलेज की सीट में अप्लाई करना चाहते हैं। सेम रूल लागू होगा कि सीट मिल जाएगी, आप नहीं लोगे तो आपके 1 लाख रुपये या 10,000 रुपये जब्त हो जाएंगे। अब आता है असली खेल। फिर से देखिए, जब एक बार आपने अप्लाई कर दिया, तो 6 तरीके उन्होंने रखी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब की बार ये क्या कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अलॉटमेंट इकट्ठे कर रहे हैं। हाँ, तो मुद्दे की बात है, जो बड़ी बात है वो ये है कि शायद पूरे नॉर्थ इंडिया में राजस्थान एकमात्र स्टेट है जो राउंड टू की काउंसलिंग को ऑफलाइन कर रहा है, और ये काउंसलिंग जयपुर में होने वाली है। तो जब हमने सारा काम कर लिया फिलहाल रजिस्ट्रेशन का, तो याद कीजिए कि राजस्थान में भी जो हमें हर स्टेट में करना पड़ता है, डिफेंस, SC ST, इन सब का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होता है, कभी जनरल कैटेगरी का नहीं होता जनरली। तो 6 तरीक को है डिफेंस और NRA कैंडिडेट्स का, 6 तरीक को ही है PWD कैंडिडेट्स का, और उसके बाद 7 तरीक को है और 7 से 13 बाकी स्टार्ट हो जाएंगे, विच इज कैटेगरी कैंडिडेट्स एज वेल एज जनरल कैंडिडेट्स, राइट? सो आप नोट कीजिएगा कि इन्होंने PW और हर जगह कैंडिडेट को तो रहना ही होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और फिर 7 तारीख से लेकर 13 तारीख तक ऑफलाइन काउंसलिंग चलेगी एज पर दी रैंक। तो बारी बारी जो भी मेरिट राइट रैंक होगी बुलाया जाएगा, उस दिन पे आप जाएंगे, वहीं आप चॉइस फिलिंग करेंगे और दिन के स्टार्ट में, और उसके हिसाब से आपको सीट अलोकेट या नहीं होगी। और एक बार अलोकेट हो गई और आप नहीं लेते हैं, तो वही जो रूल लागू होता है फॉरफीचर वाला, वो जब्त किए जाते हैं, राइट? अब आप देखिए इंटरेस्टिंग चीज क्या है। इंटरेस्टिंग चीज ये है, फिजिकल रिपोर्टिंग हाथ किया चलती है, दोनों काम जयपुर में हो रहे हैं, ये नोटिफिकेशन आप आराम से पढ़ सकते हैं। आपको एंट्री टिकट मिल जाएगी जिसको लेके आप जाओगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं जिस दिन भी आएगा। आपको अभी कहा गया है कि आप 1 तारीख तक 4 बजे तक अपनी सीट डिजाइन कर सकते हैं। अब ये है देखिए इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपको बताना चाहता था, ये इस पे गौर कीजिए। रेजिग्नेशन की जो सुविधा है, राउंड वन के जो लोग थे या राउंड टू के भी थे, तो जो आप ऑलरेडी जो रिपोर्ट कर चुके थे कि राजस्थान में फ्री एग्जिट तो था ही, लेकिन रिपोर्टेड कैंडिडेट्स लिए भी, देखिए ध्यान से सुनिए इसको, रिपोर्टेड कैंडिडेट्स ऑफ राउंड वन अलॉटमेंट हु डजंट गेट अपग्रेडेड एंड डज नॉट गेट सीट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग सेकेंड राउंड, आपने चॉइस फिलिंग करी, आपको नई सीट नहीं मिली और आपका अपग्रेडेशन नहीं हुआ, ऑफकोर्स तभी तो आपको नहीं मिली, लेकिन आपने पहले राउंड में एक एलोकेशन करा के रख ली थी। जनरली आपको ध्यान होगा कि जब हम अपग्रेड के लिए जाते हैं और हमारा अपग्रेड नहीं होता, तो हमारी राउंड वन सीट रह जाती है, स्पेशली जब आपने वो कर रखा था रिपोर्ट। फ्री एग्जिट क्या तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन वो आपको कह रहे हैं कि यू आर अलाउड टू रिजाइन एट स्पॉट विदाउट फॉरफीचर ऑफ रजिस्ट्रेशन फी, फेलिंग विच यू विल बी कंसिडर्ड टू ज्वाइन कैंडिडेट एंड देन द रूल विल अप्लाई।
विच मीन्स आपके पास एक और मौका होगा रिजाइन करने का अपनी सीट से, क्योंकि देखिए भाई फायदा क्या है कि लोग ऑफलाइन रिपोर्टिंग ऑफलाइन काउंसलिंग करा रहे हैं, तो आप वहां खड़े हैं, आपको लगा कि नहीं भाई मैंने पहले एक सीट ले ली थी, अब जो मैंने कॉलेज भरे हैं मेरे को वो नहीं चाहिए, तो अगर आपको नहीं चाहिए, आपको नहीं मिला और जो पहले कॉलेज आपने लिया था वो आपको नहीं मिला, तो एक तारीख नहीं प्रैक्टिकली स्पीकिंग जिस दिन भी आपका दिन आएगा, लेट से 9 मार्च 10 मार्च, वो भी आपको अलाउड है कि आप रिजाइन कर सकते हो। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा देखिए ये है कि वो बच्चे जिन्होंने प्राइवेट सीट फिलहाल ली है लेकिन वो दूसरे स्टेट्स यूपी में हरियाणा में, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एमसीडी का तो रिजल्ट आ ही चुका होगा, वो तो कल ही आने वाला है, तो आपको एक्स्ट्रा समय मिल जाएगा। अगर आपको हरियाणा या यूपी में राउंड टू में सीट मिल गई जो कि वैल्यू फॉर मनी है, सस्ती है, तो आप उस दिन मौके पर भी जाके अपने राउंड वन की सीट राजस्थान में ड्रॉप कर सकते हो, तो ये एक एडिशनल एडवांटेज है, ठीक है ना। इस मेरिट पॉइंट का मतलब यही है कि जब आप वहां पर खड़े हो ऑफलाइन काउंसलिंग में। तो आपका जो कैंडिडेट का मेरिट पॉइंट है, जब मतलब आपका नंबर आएगा और तभी आप सीट छोड़ दो, तो आपके ये 1 लाख रुपए जो सिक्योरिटी मनी ले रहे हैं ये जब्त नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है राजस्थान के बच्चों को ट्राई करने के लिए, अगर आप ये देखना चाहते हो कि भाई मैं दूसरे स्टेट्स में कहाँ खड़ा हुआ हूँ, राइट। तो अभी बस ये देखना पड़ेगा कि राजस्थान में लेट से आपका नंबर 10 मार्च को आ गया और आप लोग हरियाणा में भी इंटरेस्टेड हैं और हरियाणा में आपने देखा कि जो आपका रिजल्ट है वो 7-8 मार्च को आ जाएगा, राइट। तो आपको पता चल गया कि आपको यहाँ पर सीट नहीं मिल रही, आपको यूपी में सीट नहीं मिल रही, तो आपने को जो मिला आपने वहां पर ले ली, नहीं तो आपने छोड़ दी, तो आपको वो एक्स्ट्रा समय दिया जा रहा है बेसिकली अपनी सिक्योरिटी मनी को सेव करने का, ठीक है। और ऑफलाइन काउंसलिंग होती है, इसमें सारे ओरिजिनल कागज वहीं कभी लेके जाने हैं, और इन्होंने बता दिया है कि जो रिपोर्टिंग होगी वो फिर सेम जयपुर में जो फेमस एसएमएस मेडिकल कॉलेज है, जो ये ऑफलाइन काउंसलिंग हो रही है ये गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज आरयूएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, सेम दोनों जयपुर में ही है, आपको वहां जाना है, राइट। तो ये पूरी डिटेल्स है नोटिफिकेशन की, फिर भी कोई नोटिफिकेशन में समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की, वैसे बहुत सिंपल था, आपको पढ़ के आइडिया लग जाना चाहिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, और अभी भी कोई हमारी प्रीमियम काउंसलिंग देना चाहता है, अभी भी काफी काउंसलिंग बची हुई है, सो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट अस। मौके पे कैसे आपको करना है, कभी कभार मैंने देखा है बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि सब कुछ आपको पता है पर जब सीट एलोकेट भी हो जाती है तो उसके बाद की प्रोसेस क्या है, या खासकर राजस्थान के केस में कि राउंड टू में क्या करना है, ये जो मैंने बोला कि नेगोशिएशन सीट अगर आपको चाहिए तो आप अभी भी हमारा काउंसलिंग पैकेज ले सकते हैं 9643362320 पे कॉल करके, तो आपको हम हेल्प करेंगे राजस्थान की नेगोशिएटेड सीट लेने के लिए, या जो मैं बाबर कहता हूँ कि जब मॉप अप राउंड स्टार्ट हो रहे हैं स्टेट्स में और वहां पर अगर आपको प्रायोरिटी सीट चाहिए मैनेजमेंट कोटा की जो कि अवेलेबल होती है, तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।